han de los que piensen en la तो हमने अभी तक चार क्लासें कर ली है इंग्लिश टाइपिंग कोर्स की. ये हमारी नंबर 5 क्लास ऑफ इंग्लिश टाइपिंग कोर्स है. तो हम इसमें नंबर 5 में करने से पहले मानता हूँ कि आपने नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक की जो एक्सरसाइज थी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. तो अब हम नंबर 5 क्लास स्टार्ट करते हैं. नंबर 5 क्लास में हम नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक हमने होम रो और अपर रो की पूरी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से. अब बची है ना लोअर रो. इस लोअर रो की हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं. तो इसमें भी वैसे ही करना है, कुछ स्पेशल नया नहीं है. चार बटन पहले लेंगे फिर 500 अगली एक्सरसाइज में ऐड करेंगे. ठीक है, तो चार बटन हम कौन कौन से लेंगे. इधर से स्टार्ट करते हैं ना, इस हाथ से, इस हाथ से देखिए. तो इधर से जेड एक्स सी वी, क्या जेड एक्स सी वी, जेड एक्स सी वी फिर स्पेस है, क्या हुई जेड एक्स सी वी स्पेस. इधर से, इधर से हो गई ये. मैं इसको डैश बोलता हूँ, हालांकि ये पब्लिक है. ठीक है, ये डैश बोलना है थोड़ा सा, मतलब ये देखो फ्लो ऐसे बनता है, ये याद हो जाता है. डैश डॉट कोमा है ना, डैश डॉट कोमा. तो ये ऑब्लिक है, आप ऑब्लिक बोलिए, मैं बोलता हूँ डैश डैश डॉट कोमा एन. ये चार बटन इधर से लेंगे, इधर से ये चार, इधर से ये चार, बीच में बी और एन फ्री रहेगा इस पांच नंबर एक्सरसाइज में. ठीक है, क्या हुआ जेड एक्स सी वी स्पेस डैश डॉट कोमा एन स्पेस जेड एक्स सी वी स्पेस डैश डॉट कोमा एन स्पेस जेड एक्स सी वी स्पेस डैश डॉट कोमा एन स्पेस जेड एक्स सी वी स्पेस डैश डॉट कोमा एन स्पेस जेड एक्स सी वी स्पेस डैश डॉट कोमा एन स्पेस. याद हो गई, कुछ बोर्ड के बताओ बेटा. जेड एक्स सी वी स्पेस डैश डॉट कोमा एन स्पेस. ये चार चार दोनों तरफ से मिल गया, बी एन छोड़ दिया हमने अभी. ठीक है, बी एन नहीं करेंगे अभी. छोड़ ये हुई हमारी नंबर 5 एक्सरसाइज. तो आपको कैसा लग रहा है कोर्स, अच्छा लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमें यूट्यूब के अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी, वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए. और हम सिर्फ टाइपिंग कोर्स ही नहीं, हम इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग के बाद हिंदी टाइपिंग का कोर्स लाएंगे. इसके बाद हम कंप्यूटर के अदर कोर्सेज भी लाएंगे जिसमें हम आपको जैसे एफिशिएंसी सिखाते हैं, एफिशिएंसी सिखाएंगे आपको, एक्सेल सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे जो आप कहीं पर भी आप काम करने जाओगे तो आपके काम में यूज आ सकती है. चाहे आप कॉलेज जब भी तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो तो उसमें भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं. जैसे कोई हाई कोर्ट की एलडीसी की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना. तो आप हर तरह से इस कोर्स को यूज कर सकते हैं. कोई जैसे कोडिंग करता है, मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह लिखता है तो उसको भी काम में ले सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. ये क्लास हम खत्म करते हैं नंबर 5. तो आप नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक की क्लास को प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. जय हिंद.